नमस्कार, मैं अर्पण भारती लेकर आ गया हूँ दिन भर की खबरें। और दिन भर की खबर जानने के लिए आप नमस्ते इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज दिन भर की खबर की शुरुआत करते हैं। दिन भर की खबर में जानेंगे कि पटना में किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा कर पीटा पुलिस, और फिर जानेंगे कि किस तरह ज्योति मुड़िया की प्रेम कहानी में आया नई मोड़, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। जानेंगे चंद्रयान, आज तीसरी चंद्रयान की हुई प्रक्षेपण, और दूसरे ग्रह में करेंगे प्रवेश, यानी चांद पे करेंगे प्रवेश। आज जानेंगे कि दिल्ली में आई भयानक बाढ़ की पूरी जानकारी जानेंगे, और दिल्ली की सत्ता क्या कर रही है इस पे भी नजर डालेंगे। इन सभी खबरों को जानेंगे, इससे पहले जानते हैं और देख लेते हैं ये सुर्खियां। सुर्खियां में पहली खबर है, डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं पर, लगाया उग्रता और तोड़फोड़ के गंभीर आरोप। विधानसभा मार्च में भाजपा नेताओं के निशाने पर रहे नीतीश और तेजस्वी, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि 10 लाख नौकरी कब मिलेगा, शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, और डोमिसाइल नीति पर सरकार बात कब करेगी। बिहार सरकार की तरफ से आया जवाब, बिहार विधानसभा मार्च रहा असफल, क्योंकि सरकार लगातार सभी पदों पर नौकरियां निकाल रही है, इसलिए बीजेपी सरकार को इसे पेट में दर्द हो रहा है। अगर इतना ही बात करनी है तो विधानसभा में बैठकर करें बात, हम तैयार हैं। सरकार ने कहा, एक कदम और हम विकास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार सरकार ने विकास के काम को आगे बढ़ाते हुए सहरसा, पूर्णिया व कटिहार के एक एक उच्च स्तरीय पुल का होगा निर्माण, लागत आएगा 437 करोड़ रुपये, नीतीश कुमार ने दी ऐसी जानकारी। अगली खबर समस्तीपुर से निकल के आ रही है, रेलवे के नाले में डूबकर आरपीएफ इंस्पेक्टर के 2.5 साल की पुत्र की हो गई मौत। सुनीता कुमारी समस्तीपुर रेलवे मंडल के इंस्पेक्टर पद पर कर रही थी काम, उनकी बच्चे को नाले में डूबकर हुई मौत। अगली खबर केरल से निकल के आ रही है, एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2010 के एक कॉलेज के प्रोफेसर की कलाई काटने के मामले में दोषी ठहराया गया, और 6 लोगों में से 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगली खबर मुंबई से निकल के आ रही है, मुंबई हाई कोर्ट ने सहमति से होने वाली यौन संबंध के लिए किशोरों के न्यूनतम आयु कम करने की वकालत करते हुए कहा है, अब समय आ गया है कि देश और संसद को इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए और आयु को कम करना चाहिए। चंद्रयान 3 आज हो गया है रवाना चंद्र की सतह के लिए। चंद्रयान 3 2:35 में आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 हुआ चांद की सतह के लिए रवाना। चांद की सतह पर करेंगे बहुमूल्य पदार्थों की खोज। अगली खबर दरभंगा केवटी से, केवटी थाना क्षेत्र के 2 चचेरे भाई की बाइक की ठोकर से दोनों भाई की मौत हो गई है। एक भाई का उम्र 15 साल बताया जा रहा है, तो दूसरे भाई का उम्र 19 साल बताया जा रहा है। अगली खबर शिक्षा विभाग से निकल के आ रही है, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया दर्जन भर विद्यालय का निरीक्षण, और जिसमें 3 दर्जन शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, और इन सभी शिक्षकों पर होगी कानून कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी ने करीब 157 स्कूलों के निरीक्षण किया, जिसमें 3 दर्जन शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अगली खबर डीएम राजीव रौशन की तरफ से निकल के आ रही है, डीएम राजीव रौशन ने तकनीकी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न बिंदुओं पर दिए गए आवश्यक निर्देश, और डीएम राजीव रौशन ने गुरुवार को तकनीकी विभाग की प्रगति की समीक्षा की, और इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1 और 2 अधिकारियों के निर्देश दिया कि सही से काम होना चाहिए विभाग में। अगली खबर दिल्ली से निकल के आ रही है, दिल्ली में फूटा यमुना का गुस्सा, अब पूरे दिल्ली में आया बाढ़ का महाप्रकोप। पानी आज 2 बजे तक दिल्ली के लाल किले में घुस जाएगी, और बाढ़ की पानी दिल्ली की सरकार की सभी तकनीकी और इरादाओं पर पानी फेर दिया है। यमुना नदी यातायात ठप कर दिया है, और दिल्ली की आर्थिक स्थिति अब गंभीर बनती जा रही है। दिल्ली सरकार पर चिंताएं बढ़ती जा रही है, दिल्ली सरकार लगातार इस पर निगरानी बनाए रखी है।